नालंदा जिले में एक घर से चार लाशें मिलने से हड़कंप मच गया है। दीपनगर थाने इलाके के घर से चार लाशें मिली है। दरअसल एक घर से दो दिनों से आ रहे बदबू से लोग परेशान थे। करीब चार दिनों से उस घर के सदस्य भी नजर नहीं आ रहे थे, जिसके बाद परेशान होकर स्थानीय लोगों ने दीपनगर थाने की सूचना दी और जब पुलिस छानबीन करने पहुंची तो उस घर में एक महिला, एक पुरुष और दो बच्चे की लाश पड़ी हुई मिली। चारों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और लाश चार दिन पुरानी हो जाने के कारण सड़ भी गई थी। मामले की छानबीन करने जिले के SP नीलेश कुमार भी पहुंचे और इस मामले में अनुसंधान की बात कही है। देखिए, अगल बगल के लोगों ने और उनके परिवारजनों ने बताया कि बाहर से ताला बंद है और महक आ रहा है अंदर से। इसी सूचना पर पुलिस आई तो अंदर देखे कि चार डेड बॉडी है, हस्बैंड का, वाइफ का और उनके दो बच्चे का। ये डेड बॉडी 3 से 4 दिन पुराना लगता है देखने से। FSL की टीम को बुलाया गया है। मृत्यु का कारण बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम के बाद ही सही पता चलेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी पुराना है और उसमें कीड़ा वगैरह लगा हुआ है। तो सुना जा रहा है उसमें धारदार हथियार से? नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। वहाँ PO पर वैसा कुछ मिला नहीं है और जब तक FSL की टीम नहीं आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाता है, हम कंक्लूसिवली नहीं बता सकते हैं। वही मृतकों के परिजनों का कहना है कि संपत्ति के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मौत हमारा बेटी के हुआ, दामाद के हुआ, एगो बच्चा था उसका हुआ, मैंने नाती के हुआ, हमारा नतनी के हुआ, चार आदमी को मौत। क्या लग रहा है घटना के पीछे? घटना के पीछे कोई मर्डर करवा दिया, इसको मार दिया। मारने के पीछे 100% का हमारा लग रहा है कि इसका बहन का, ओकर बहन की बेटी है जो करप्ट है उसका, और उसका जो रखे हुए उसका हस्बैंड का, ओकर बाप माए तक के मिला हुआ था यही जमीन देने के लिए, ये सब उन्हीं का है। तो हत्या का मुख्य वजह क्या लग रहा है? मुख्य प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, कितने लोग की हत्या हुई है? चार लोग के बोले ना। मैंने क्या चीज़ से, मैंने किस तरह से की गई है? अभी हम जानते हैं, हम थे, हम तो स्विच ऑफ था, तो हम नहीं, दो दिन से फोन लगा था, अंदाज पर आए कि यहाँ जब देखे थे इस तरह के। पता क्या चला कि धरदार हत्या से कैसे की गई हत्या? अब कहाँ कोई जान रहा है। अब हम तो हमारा परभुवन प्रसाद नाम है, सरकार के अवर सचिव सेवानिवृत्त हैं, माइंस डिपार्टमेंट। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। और जाँच के लिए फोरेंसिक टीम को भी पटना से बुलाया गया है। नालंदा से लाइव इंडिया के लिए ऋषिकेश की रिपोर्ट।